अरे भाई शिव भाई शिव भाई शिव भाई पीछे खड़े हो जाओ पीछे आओ आने मागे अरे बस 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 सब पीछे आ जाओ ये आ जा हीरावत 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 अरे पप 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 पक्के दादा ये देख मैं राइट से देख मोबाइल वाले बहुत बढ़िया भाई गणपति बाप्पा और यार शिव भाई इधर शिव भाई सेंटर क्या क्या लेके जा रहे हो शिव भाई इधर शिव भाई लेके जा रहा हूं बस मशीन भाई भाई फैमिली फैमिली इधर दिखाओ इधर इधर कैमरे में सो सर इकड़े दाखो पहले इकड़े दाखो वरती करो एक होल्ड 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 हीरावत 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 होल्ड क्या लगता है विनर बने ना वो ट्रॉफी की जगह जो खाली वो लगने वाली है परिवार की दुनिया के कान पर चाहिए क्या मिले एक साथ क्या अच्छा हेलो खुशी खुशी बस फॉलो कोई मत करना बस फॉलो कोई मत करना अंजुम आने वाली है दो मिनट में देखो पीछे बाकी सब मैं उधर संभाल लूंगा ब्लेसिंग की जरूरत है मुझे दुआओं से संभाल ले ये बार ट्रॉफी अपने हाथ में आएगी अरे शिव 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 ये बाबा शिव हेलो अरे नहीं इधर से लेके जाओ उधर से बंद है सब अब जितने मम्मी पापा होते हैं वो तो होते ही खुश क्योंकि बेटा उनके इतने दूर जा रहा है और हमारे घर में वो मुंबई तो कम लोग आते थे अभी तो मैं मुंबई से बहुत सात समुद्र दूर जा रहा हूँ तो ऑब्वियसली हो गया यार अभी अभी ना बहुत ज़्यादा चीज़ें कुछ बचा तो नहीं है कुछ रहा तो नहीं कि मम्मी को अभी वो होता है कि लास्ट मोमेंट एक मिल लूँ लास्ट है और बस अभी मज़े करूँ बस बट मैं एक बात दिल से बोलूँ 13 के 13 कंटेस्टेंट भी टॉप के और सब लोग बेस्ट है सब लोगों के साथ मजा आएगा और कोई ऐसा नहीं कह रहा यार ये तो नहीं ऐसा कोई कंटेस्टेंट नहीं लिया कलर्स ने कलर्स ने जो सोच समझ के लिया है वो सब बेस्ट लिए हुए पर मुझे मजा आएगा सभी के साथ और यार एंजॉय कर देना जीतना तो देख ही लेंगे चलो चलो फैंस कहूँगा कि मुझे ब्लेसिंग की जरूरत है दुआओं की चलो, चलो, बस वो करते रहो बाकी तो मैं संभाल लूंगा भाई 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 एक शो के बाद दूसरी शो के लिए वेट करते वेट नहीं करना पड़ रहा है अंजुम कितना एक्साइटेड हो कितने एक्साइटेड लग रहे हो भाई गाने बाप अरे कौन धक्का दे रहा है यार स्टंट नहीं रहेगा बाकी ये अंजुम बाप पीछे होगा क्या बात है थैंक यू आग लगा के आने वाली अंजुम मैडम जी आग लगा दी हेल्थ अभी बेटर है और आप लोगों की दुआ है फैंस लोगों ने इतनी दुआ की है
तो अभी थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई एम रियली वेरी एक्साइटेड. नर्वस भी हूँ बहुत, लेकिन एक्साइटमेंट थोड़ी ज़्यादा है. तो यस, थैंक यू सो मच पूछने के लिए, मेरी तबीयत के लिए, तबीयत के बारे में. सो ये आई एम गुड. हाय हाय, आई एम गुड. देखो कुछ तो मेरे दोस्त हैं और कुछ नहीं, तो जिनसे मेरी दोस्ती नहीं है उनसे मैं दोस्ती बनाने वाली हूँ. जो मेरे दोस्त ऑलरेडी है उनका मैं वेट करूँगी अंदर. और यार तुम लोग है ना बिना मेकअप के ना मेरे को कवर मत किया करो भाई, मेरी डार्क सर्कल दिख रही है, पसीने आ रहे हैं. भाई तू किधर था जब मीडिया इंटरव्यू हो रहे थे? इतना मैंने 11 बजे से रात के 8 बजे तक इतने इंटरव्यू दिए मैंने, तू कहाँ था? मेरी पैकिंग लास्ट मोमेंट तक चल रही थी, बैग्स बंद नहीं हो रहे थे, मुझे समझ में आ रहा था मैं क्या कर रही हूँ. डैड इज़ लाइक व्हाट आर यू डूइंग. बट बहुत हौच-पौच था और कैसे कैसे करके निकली हूँ और लेट हो गई हूँ ऑलरेडी, मुझे अंदर चले जाना चाहिए. सो बीमार भी थे हमने सुना. मैं बीमार नहीं थी, थोड़ा सा मुझे एंग्जाइटी हो जाती है, नर्वसनेस हो जाती है जब कुछ नया करने जाती हूँ. तो लेकिन अभी बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत एक्साइटेड. मेरे लिए श्रद्धा ने डिनर होस्ट किया था लास्ट नाइट, तो बहुत अच्छा लगा. पारस भी आया था, बसीर आया था, श्रद्धा आई थी, जस्सी और सुप्रिया माँ नहीं आ पाए. बट आई एम ग्लैड दैट माई फ्रेंड्स टेक केयर ऑफ मी एंड पैम्पर मी लाइक दिस. अलविदा मैम, मैम कैमरा लुक, मैम कैमरा सर मेरा पीछे आओ, बेटा पीछे आ जाओ, सब लोग पीछे आ जाओ, सर साथ में आइए. सर कैमरा लुक लुक या प्लीज लुक या लुक या लुक या लुक कैमरा या अब नर्वसनेस किक इन करने लग गई. पहले तो मैं बड़ी थी ऐसे थी कि अरे कुछ नहीं हो रहा है, इट्स ओके, बट अब मुझे समझ में आ रहा है इट्स गेटिंग रियल एंड दैट एंग्जाइटी दैट नर्वसनेस दैट बटरफ्लाई एवरीथिंग हैज स्टार्टेड किकिंग इन. बहुत एक्साइटेड है, उनसे इतनी सारी चीज़ें सीखने मिलेंगी, समझने मिलेंगी, गलतियों की डांट भी पड़ेगी, अच्छा करोगे तो शाबाशी भी मिलेगी. सो कहाँ मिलता है ऐसा चांस? सो आई थिंक आई एम वन ऑफ द ब्लेस्ड जिसको चांस मिला. मैम इधर से चलो पीछे आ जाओ, पीछे देखा नहीं उसने, पीछे देखा नहीं. आइए ऊपर आ जाइए, यहाँ ये मार्क है ना, ये मार्क पे मार्क पे मार्क. ए अंकुर है सर, ये कैमरा रुक गया, लोग लुकिया लुकिया जिस कैमरा. हाँ मुझे देखो, इन्हें देखो, बात देखो, या लेफ्ट लेफ्ट इधर इधर, ये भाई तुम लोग का हो जाएगा तो बोलो. एक मिनट एक मिनट, आइए 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 आ
बंद है सेवन इधर ये दिस ये सर मैम एक मिनट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कतरों के किनारे के लिए एंड आई कैन नॉट वेट टू रीच साउथ अफ्रीका एंड मेक दिस जर्नी काउंट इट्स लाइक ड्रीम कम्स ट्रू मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मेरा पहली साल इंडिया में और मैंने रोडीज किया स्प्लिट्सविला किया जीत किया और अभी हम कतरों के खिलाड़ी पहुँच गई meet them at the lounge to share this flight moment with them and then get closer to them and get to know them before we reach South Africa. Oh, back ke sath le leta ha wahi to bolo trolley ke sath taiyar nahi hoke aati hai aapko taiyar hone se hi achhi lag rahi hai aap to aise hi khoobsurat ho mam trolley ho gaya ha trolley ke sath trolley ke sath na sidha andar ja अंजलि मैम गॉड इज बीन वेरी काइंड जो भी मेरी जिंदगी में हुआ है ऊपर वाले का बहुत बड़ा हाथ है और इसमें भी ऊपर वाले की बहुत बड़ी मर्जी है सो मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल द हिप हॉप फैन हिप हॉप लिसनर्स जिन्होंने मेरा गाना सुना और मुझे यहाँ तक पहुँचाया और इनको ऐसा लगा कि इतने बड़े शो का मुझे पार्ट बनना चाहिए सो मैं तो सिर्फ बह रहा हूँ ब्रो आई मीन थैंक यू सो मच फॉर ऑल द हिप हॉप लिसनर्स एंड ऑल माई फैंस ऑल माई लिसनर्स नो फैंस अब अलग अलग चीज़ें थी हसल हिप हॉप शो था यहाँ पर भी आई वॉन्ट टू रिप्रेजेंट वॉट आई बीन डूइंग फ्रॉम द पास्ट 10 ईयर्स और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ उस चीज़ को लेकर बहुत अजीबोगरीब फीलिंग है थोड़ी जैसे मैंने बताया ना जैसे लग रहा है मेरी विदाई हो रही है सो मेरे फ्रेंड्स सब लोग आए कुछ रो भी रहे हैं मेरे दोस्त गुड लक के लिए मैं माँ को फ़ोन करता रहता हूँ हमेशा यार वो मेरी गुड लक क्वीन है तो कुछ भी होता है तो 10 बार बात कर चुका हूँ ऑलरेडी गाड़ी से यहाँ तक आने में सो आई जस्ट कॉल अप माई मॉम एंड डैड ब्रो दो वो गुड लक आई कैरी उनकी रोजरी हमेशा हाथों में सो वही है अभी मैंने यार पूरे भाई लोगों को अपना बताया नहीं है टेक्निकली कि मैं पहुंच गया हूं और हिप हॉप में अभी तक जो भी हूं सांसें ले रहा हूं आप लोग यहां पर आए हो इस सब का रीज़न एक्चुअली हिप हॉप है तो हर एक चीज़ में जो भी मेरे लाइफ में इनडायरेक्टली डायरेक्टली होता है हिप हॉप का मैं सिर्फ यही बोलता हूँ कि गॉडेस ऑफ हिप हॉप ब्लेस्ड मी एंड आई बीन डूइंग इट एंड आई एम सो हैप्पी जो भी मेरी दुनिया है छोटी बड़ी जो भी आप बोलो मैं उसमें बहुत ज़्यादा खुश हूँ तो मुझे लगता नहीं कि और कुछ करके मुझे ज़िंदगी में इतनी खुशी मिलती जो मुझे हिप हॉप करके मिली है तो आई मीन हिप हॉप ऑलवेज भाई ग्रुप फोटो कर लेते ना साथ में दो छोटी छोटी भाई इस तरफ किस तरफ हां सामने थैंक यू सो मच या कैमरा लुक इधर दिनू भाई अंधा हो गया हमारा दिनू भाई एक दोस्तों के साथ पूरे फ्रेंड लोग फ्रेंड्स के साथ आओ फ्रेंड्स के साथ मंजू अरे फोटो तो पेन आप भी मंजू भाई आ जाइए अरे यार बुमटा ना अमर अभी आवाज निकल रही है जा चलो सेंटर अरे ए बच्चों लोग हटो एक चेयर आप अंदर मत जाओ भाई रुको पीछे लो दादा पीछे हाँ रोहित शेट्टी किशन बहुत एक्साइटेड है गाइस एंड बहुत नर्वस भी है देखते हैं कैसा होगा अभी अंदर जाके सारे बाकी लोगों से मिलते हैं एंड इट विल बी अ ग्रेट टाइम रोहित शेट्टी से मिलने का कितना एक्साइटमेंट है बहुत एक्साइटमेंट ऑफ कोर्स है रोहित सर है एंड वो ही ये शो चलाते हैं इट्स नोन फॉर हिम वो बहुत एक्साइटेड है उनसे मिलने के लिए उनके साथ काम करने के लिए घर से क्या ब्लेसिंग्स लिए आपने दुआएं ली हैं वो रोज देते हैं वही दुआएं ली हैं एंड वही ब्लेसिंग्स ली हैं सबकी फैमिली फ्रेंड्स की क्या कुछ नर्वसनेस है आपको थोड़ा नर्वस तो होंगे यार कोई भी होगा एंड थोड़े नर्वस है बट आई एम श्योर अंदर जाके सबसे मिलके बढ़िया हो जाएगा मैं अंदर जाके मिल लेता हूँ सबसे
लास्ट मोमेंट पे आज तो कोई नहीं आया, मैंने सबसे फ़ोन पे बात की क्योंकि मैं बहुत बिजी था, मैंने पैकिंग वैकिंग कुछ भी नहीं की, मैंने लिटरली कल ही और आज ही की है। सो सबसे बात कर ली। हाय अंजलि, हाय भाई, साथ में एक फोटो करें भाई, साथ में फोटो फोटो फोटो, चलो आ जाओ